अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम गोजरा बाईपास के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्कुल पीछे जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक जुलूस निकला हुआ है और यहाँ पर सारे नौजवान इकट्ठे हुए हुए हैं। आइए जानते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और ये किस साइड पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या नाम क्या? मोहम्मद अब्दुल रहमान। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप किधर से आ रहे हैं? हम 372 चक नंबर 372 जी में भुजा वाली 72वां, पिछली बार मरतबा 72वां 14 अगस्त था, 72वां जश्न आज़ादी, तो 72 फुट चंडा था, तो इस दफ़ा 73वां 14 अगस्त 73 फुट चंडा। अगला गांव है 373 प्याड़ेवाल, उस उधर लेकर जा रहे हैं हम। 373 फुट चंडा 373 लेकर जा रहे हैं। कितने किलोमीटर पे? ये यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पे है। 1.5-2 किलोमीटर। अच्छा, सलाम जी। क्या नाम है सर आप? मोहम्मद हारून। हारून भाई, सबसे पहले आपको जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, मुबारक। आप हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें जश्न आज़ादी के मौका पर? पैगाम यही है कि जिस तरह हमारे बड़े लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा भी हक बनता है कि उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दें। हमने क्या समझ रखा है कि ये हमें ऐसे पाकिस्तान में नहीं, करोड़ों जानों खरबों जाने गई हैं, फिर हमें ये वतन मिला और पाकिस्तान के लिए हमारा दिल जान हरदम तैयार है। बेशक पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। तकबीर, नारा तकबीर, कश्मीर बनेगा, कश्मीर मरेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाक आर्मी, पाक आर्मी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम? अहमद मुनीर। अहमद, आप भी जुलूस में हिस्सा ले रहे? हाँ जी जरूर, हम अल्लाह ताला के तरफ से इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे, इंशाल्लाह रहेंगे। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि नौजवान माशाल्लाह यहाँ पे पुरजोश हैं, जज्बे के साथ खड़े हैं और ये हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ गोए हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे।